नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन एक्सप्रेस पर। मैं हूं शाहिन खान। नजर डालते हैं देश और दुनिया की खबर पर। तो खबर देश की राजनीति से जुड़ी हुई है। एनडीए के घटक दलों के साथ मंगलवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। बैठक के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी से होता है, जब गठबंधन भ्रष्टाचार के इरादे से हो, जब गठबंधन परिवार की नीति पर आधारित हो, तो जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो वह गठबंधन देश को बहुत नुकसान पहुंचाता है। खबर नई दिल्ली से है, जहां दिल्ली के अशोका होटल में मंगलवार को हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक से पहले 38 दलों के शामिल होने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसमें 39 दलों के 45 नेता शामिल हुए। वहीं अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल चर्चा में रही। दरअसल मंच पर उपस्थित अनुप्रिया अकेली महिला नेता थी। अब खबरें विदेश से। तो पोलैंड से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स की हत्या उसकी मंगेतर के सामने कर देता है। इसके बाद हमलावर खुद को भी खत्म कर लेता है। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है, जिसे देखकर सभी के जहन में यही सवाल है कि आखिर गनमैन ने ऐसा क्यों किया। अब खबर विदेश से। तो खबर तुर्की से है। तो हम बता दें कि तुर्की के ड्रोन की मांग अब न सिर्फ रूस और यूक्रेन जंग तक सीमित रह गई है, बल्कि अब सऊदी अरब को भी तुर्की के ड्रोन भाने लगे हैं। इसलिए तुर्की की कंपनी अब सऊदी अरब के लिए ड्रोन बनाने जा रही है। इसके लिए एर्दोगन और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल की बैठक के बाद समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। खबर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है। बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी और बसपा अपने दम पर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के वादे हवा हवाई हैं और वह सत्ता में आने के लिए गठबंधन कर रही है। खबर बिहार से है। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थाना क्षेत्र के बांसघाट में बुधवार को एटीएस और स्थानीय पुलिस ने छापेमारी की। इस छापेमारी में एनआईए ने पीएफआई के सक्रिय सदस्य उस्मान सुल्तान खान उर्फ याकूब को गिरफ्तार कर लिया है। याकूब चकिया के गांधी मैदान में ट्रेनिंग देता था। इसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद कविनगर के हापुड़ रोड में मंगलवार को देर रात भाजपा विधायक प्रतिनिधि लिखी कार ने बीच सड़क पर बैठे युवक को बेरहमी से रौंद डाला। इतना ही नहीं, कार के नीचे फंसे होने के बाद भी उसे घसीटता हुआ ले गया। पुलिस ने कार चालक और कार को कब्जे में ले लिया है। खबर सुरक्षा एजेंसी की सफलता से जुड़ी हुई है। बता दें, केंद्रीय अपराध शाखा ने कर्नाटक से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान सैयद सुहेल उमर, जानिद मुदासिर और जाहिद के रूप में की गई है। इसके साथ ही सीसीबी ने संदिग्धों के पास से 4 वॉकी टॉकी, 7 देशी पिस्तौल, 42 जिंदा गोलियां, 2 खंजर, 2 सैटेलाइट फोन और 4 ग्रेनेड बरामद किए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन सभी आतंकियों ने बेंगलुरु में धमाका करने की योजना बनाई थी। एक बार फिर दिल दहला देने वाली ये घटना राजस्थान से है, जहां जोधपुर जिले के ओसिया में मंगलवार रात को एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। चारों शव जली अवस्था में एक झोपड़ी में पाए गए। ओसिया थाना क्षेत्र के रामनगर ग्राम पंचायत गंगाड़ियों की ठाणी में रात में सो रहे एक पुरुष, 2 महिलाएं सहित एक बच्ची का गला काट कर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद झोपड़े में जला दिया गया। इस हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। ये आपराधिक घटना देश की राजधानी दिल्ली में हुई है, जहां जाफराबाद इलाके में साक्षी की तरह ही बीच सड़क पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर सलमान नाम के एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया गया कि प्रेमिका के पिता और भाई ने सलमान की हत्या की है। सलमान की छाती और गर्दन पर चाकुओं के घाव मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां अब्दुल्लागंज भोपाल से नल जल योजना के पाइप लेकर सीधी जा रही ट्रक में राहतगढ़ के भोपाल चौराहे के पास इंजन में आग लग गई। देखते ही देखते आग के लपटों ने ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक में भरे पाइप पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। ट्रक में आग लगने के बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई।
और अब खबर हमारे छत्तीसगढ़ से। खबर नक्सल प्रभावित क्षेत्र से है, जहां छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मूसलाधार बारिश के बीच फरसेगढ़ मार्ग पर आईईडी बम ब्लास्ट हुआ है। सूत्रों ने बताया कि ग्राम के समीप सोमनपल्ली में यह आईईडी ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट के होने से सड़क में 8-10 फीट का गहरा गड्ढा बन गया है। इसकी वजह से आवागमन प्रभावित हो गया है। ये आईईडी नक्सलियों द्वारा लगाया गया था। खबर आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापे से जुड़ी हुई है। बता दें, धमतरी व कुरूद के तीन बड़े व्यवसायियों के घर मंगलवार की रात 12 बजे आईटी ने छापेमार कार्रवाई की है। व्यवसायियों में राइस मिलर अजय बरड़िया, कुरूद के रोशन चंद्राकर और धमतरी के राजेंद्र लुंकड़ के घर छापेमार कार्रवाई की गई। फिलहाल आईटी की टीम जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि रात करीब 10 बजे 18 गाड़ियों के काफिले में आयकर विभाग की टीम शहर पहुंची और रात 12 बजे से कार्रवाई शुरू कर दी। खबर विधानसभा की कार्रवाई से जुड़ी हुई है। बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन कार्रवाई जारी है। प्रश्नकाल के दौरान पहले ही सवाल पर जमकर बहस हुई। बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के सवाल पर लगभग 33 मिनट तक बहस चली। मंत्री उमेश पटेल के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इधर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को सदन अच्छे से चलने देने की अपील की है। खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां संविदा कर्मचारी आज से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। नवा रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर पिछले 2 सप्ताह से संविदा कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। इन कर्मचारियों ने बुधवार को विधानसभा घेराव का आयोजन भी किया था। इस बीच कर्मचारी नवा रायपुर की सड़क पर उतर आए, विधानसभा जाने के लिए आगे बढ़ने लगे, मगर पुलिस ने बैरिगेटिंग कर इन्हें रोक लिया। इससे गुस्साए संविदा कर्मचारी पुलिस से भी भिड़ गए। ग्रैंड एशियन एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताज़ी खबरें। नमस्कार।